तरला कहते आप जोर से थोड़ा पानी छोड़ दो, थोड़ा पानी छोड़ दो, हम सांस मर रहे हैं, हमारे घरों में पानी घुस गया। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज हम अपने गांव आए हैं, तो यहां का व्यू आपको दिखाते हैं, यहां पर कैसे कैसे लोग रहते हैं और क्या क्या यहां पर रहन सहन है लोगों का, सब दिखाएंगे आपको, और सारी हरियाली वगैरह ये सब दिखाएंगे। यहां का व्यू काफ़ी बढ़िया है और यहां के लोग भी काफ़ी बढ़िया आए। हमारे सहबाज भाई हैं, ये भी जा रहे हैं हमारे साथ, और यहाँ पर एक डैम पड़ता है इधर, तो वहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा आता है, कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है वहाँ पर, तो वो भी दिखाएँगे आपको। और यहाँ की हरियाली देखिए आप, कितनी बढ़िया हरियाली है यहाँ की, आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर जो डैम है वो अंग्रेज़ों ने बनाया था, काफ़ी पुराना है, मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने का है, तो उसे दिखाएंगे आपको। और काफ़ी बड़ा डैम है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी भी आता है, बाढ़ भी आती है, काफ़ी लोग मर भी गए हैं वहाँ पर बाढ़ में डूब के, वो भी दिखाएंगे आपको। तो आइए चलते हैं, हमारी कार रेडी है, ये है हमारे सहबाज भाई, तो सहबाज भाई चलते हैं, फिर आप दिखाओ हमें। ठीक है, आ चुके हैं डूनी डैम, इसे डूनी डैम बोला जाता है, यहाँ का इस गांव का ये डूनी डैम है, और काफ़ी ज़्यादा बड़ा डैम है आप देख सकते हैं। और पानी देखिए आप, कितना ज़्यादा पानी है इसमें, आ जा आप सामने देखिए, और काफ़ी दूर से ये पानी आ रहा है, ऊपर बंदे पैसे आ रहा है, पल्ली साइड जो पानी रुका हुआ है वो भी आपको मैं दिखाऊँगा। और काफ़ी पुराना डैम है ये, अंग्रेज़ों के ज़माने का डैम है, और एक भाई हैं हमारे, उनसे भी आपकी बात करवाएँगे यहाँ इसके बारे में, वो बताएँगे कितना पुराना है ये और कैसे बना, ये कब बना सब बताएंगे। और काफ़ी इसका लोहा जो है वो बहुत पुराना हो गया है, और अभी तक बरकरार है ये डैम, अभी गिरने की कोई भी करार पे नहीं है ये डैम, और काफ़ी ज़्यादा पुराना है। तो आइए आपको आगे चल के दिखाते हैं इसका पूरा व्यू। सो गाइस, ये जो पानी आप देख रहे हैं, इसकी कोई था नहीं है पानी की, काफ़ी ज़्यादा गहरा है, यहाँ पर कोई भी अगर बीच में चला गया तो वो ज़िंदा नहीं बच सकता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गहरा है ये। तो आइए पल्ली साइड से आपको दिखाते हैं, जो पानी वहाँ ऊपर देखो आप, ये सामने देख सकते हैं ये चीज़, ऊपर वहाँ तक पानी है, पल्ली साइड दिखाते हैं कितना पानी है इसमें, आइए चलते उधर दिखाते हैं। तो गाइस, जितनी दूर तक भी आप निगाह डालेंगे वहाँ तक पानी पानी है, आप सामने देख सकते हैं। और इधर देखिए, काफ़ी दूर दूर से ये लोग आए हुए हैं यहाँ पे देखने के लिए, और ये भाई भी आए, हमारे भाई कहाँ से आए हो? काटी फार्म जी, ही पड़ता पास में, अच्छा वहाँ से आप देखने आए हुए डैम को, तो ये काफ़ी पुराना डैम है ना? हाँ जी, अंग्रेजों के ज़माने का, अच्छा मतलब 100-200 साल हो गए होंगे। अरे फाड़ के नीले खुले यार, खड्डे में मतलब पानी भरा हुआ है, नुकसान होना हमारा, 3 दिन हो गए पानी उतर नहीं रहा है। अच्छा, आपका नुकसान हो रहा है इससे? हाँ जी, पानी खोल नहीं रहे आगे। अच्छा, पानी नहीं खोल रहे, घरों में पानी, घरों में पानी घुस रहा है जी। बताओ, धान लगाया, धान बिल्कुल उनको तो ऊपर पानी है सब, धान दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, आपका नुकसान हो रहा है इससे? हाँ जी, पानी नहीं खोल रहे हैं, पानी खोल ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं खोल रहे हैं, देखो आप ऊपर से पानी निकलने वाला। अच्छा, फाटक के ऊपर से पानी क्या? सो गाइस, ये जो है ये यहाँ के किसान हैं, इनका कहने का मतलब ये है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है इनका, और ये पानी नहीं खोल रहे हैं, यहाँ पे डैम बंद करे पड़े हैं, काफ़ी पूरा बंदा ये बंद है, आप देखिए पानी पूरा पानी रुका पड़ा है यहाँ पे, और यहाँ पर ये खोल नहीं रहे पानी, तो इनका नुकसान हो रहा है इधर, धान इन्होंने लगाए हैं जो धानों में पानी भर गया सब। ये देखिए, एक अभी तो बारिश भी नहीं हुई, अभी बारिश भी नहीं हुई, अगर बारिश होगी तो पता नहीं आ जाए, तो हमारे घर उर सब बहा देंगे। अच्छा, फिर फाटक खोल देंगे, फिर कटान इधर उधर कटान करेगी। हाथ जोर से थोड़ा पानी छोड़ दो, थोड़ा पानी छोड़ दो, भाई साहब हम ऐसे मर रहे हैं, हमारे घरों में पानी घुस रहा है, इतने इतने जगह रह गई है जो हमारे घर कटने वाले है, जरी नहीं मानते, साहब कहता है, साहब अभी कह दिया, वो थाने कह दिया, चौकी कह दिया, साहब साहब देख के अपने हमारे को देगा कुछ? हम भूखे मर रहे हैं, हम गरीब लोग हैं, हम यहाँ पे हिसाब करते हैं तो हमारा कलेजा फटता है, इतने बुरे हाल है ना, इनके हाथ में है,
भी हम पानी छोड़ सके तो तब भी छोड़ दे, ना छोड़े तो ना छोड़े। उत्तराखंड में पानी अपना बेचना है, कह रहे हैं हम सजानपुर देना है, हमने बरेली पानी देना है, जहाँ मर्जी दें, हमारे उत्तराखंड में पानी नहीं आना चाहिए, नदी से बाहर नहीं होना चाहिए। पानी नदी के अंदर पानी रखे, हमें हमें क्या लेना देना है, हमारी फसल तो ना नुकसान करे, घरों में पानी घुस रहे हैं, कटाव हो रहे हैं, पानी अभी तो बारिश चालू नहीं, बारिश चालू करके बड़ी दुखी हो गई मैं, नहीं दिल तो करता है बेचारा तो मर जाए, इन्हीं के सिर में चढ़ जाए जाके। तो गाइस यहाँ के किसान जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इस पानी से, आप देख सकते हैं इन्होंने पानी जो है सारा यहाँ पर रोक रखा है, तो इनके घरों में भी पानी घुस रहा है यहाँ पे, क्योंकि इनकी ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि इस डैम को खोला जाए यहाँ से और पानी इसका निकाला जाए। देखिए काफ़ी ज़्यादा कम पानी जा रहा है नीचे, और इधर जो पानी है वो पूरा भरा पड़ा है, ऊपर तक भरा पड़ा है पूरा डैम, इन्होंने जो डैम का डाला है वो पूरा नीचे गिरा हुआ है, इसलिए पानी उधर नहीं जा रहा है और पूरा पानी इन्होंने रोक रखा है, तो इनसे इन किसानों का नुकसान हो रहा है, तो इनकी ये अपील है सरकार से कि इसे खोला जाए डैम को। सो गाइस ये जो है डैम की डिटेल है, कितनी गहराई है क्या है सब कुछ इस पे लिखा है, आप देख सकते हैं। तो गाइस ये जो डाला आप देख रहे हैं लोहे का, इस तार पर रुका हुआ है, ये तार देख रहे हैं आप कितना मोटा तार है, और ये लोहा देखिए कितना पुराना हो गया है, मगर लोहा अभी तक जंक नहीं खाया है, अंग्रेजों के ज़माने का लोहा है। और इस डैम को कम से कम 200-250 साल तो हो गए होंगे, काफ़ी पुराना अंग्रेज़ों के ज़माने का डैम है। पानी जो ऊपर से आ रहा है, आज जो पानी आ हुआ है यहाँ पे, आपको बताया ये किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है, दूर से आए हैं, इनके खेत उस सब नुकसान हो रहा है, तो मैंने आपको दिखाया है इन किसानों ने जो अपनी बात भी रखी है, इधर का दिखाते हैं आपको व्यू। तो गाइस यहाँ पर बहुत बहुत दूर से इस डैम को देखने लोग आते हैं, तो आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना डैम है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर है बना हुआ ये डैम, और ये जो डैम की सड़क है ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, देखो इस पर आप देख सकते हैं पानी भरा है, और ये जो डैम के जो पुल है ये भी काफ़ी पतला है, यहाँ पर अगर दो वाहन आ जाए आमने सामने से तो निकल नहीं पाते, एक एक करके निकलते हैं। सो गाइस ये जो पानी जा रहा है इधर आप देख सकते हैं, ये देवा नदी में जा रहा है पानी पूरा, और इस पानी की कोई था नहीं है, ये कहाँ तक जाएगा, काफ़ी ज़्यादा दूर तक जाएगा पानी, ये इधर जाता है यहाँ से, अच्छा इधर बहुत दूर तक जाता है, ये पीलीभीत से भी आगे जाता है, एक पीलीभीत है इधर जिला पड़ता है उससे भी आगे जाता है, और ये जो पुल है ये गाँव घोड़ा कैमूर में स्थित है, ये पुल घोड़ा कैमूर का पुल है, ये गाँव पड़ता है यहाँ पर घोड़ा कैमूर, वहाँ का पुल है ये। सो गाइस ये देख सकते हैं बैराज पुल है, ये दूनी डैम का बैराज पुल है, ये 1925 में बना था, आप देख सकते हैं ये सन है इसकी, अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ है, और ये भाई बैठे हैं, ये अपनी कुछ विचार कहना चाहते हैं यहाँ पे। तो ये जो पुल बना था कैसे बना था, आपको कुछ पता है? हाँ मैं नहीं पता था। अच्छा पहले बना, जब भी कुछ थोड़ा बहुत तो पता होगा, 60-70 साल 80 साल हो गई अगले गए थे, हमने बनाई थी,100 साल से ऊपर हो गए पुल को बने हुए, अंग्रेजों ने बनवाया था, अंग्रेजों ने बनवाया था, इसीलिए इसका लोहा देखो अभी तक बरकरार है, कोई खराबी नहीं हुई लोहे में, पता ही लोहे में कुछ खराबी नहीं है, और इस पुल के ऊपर जा सकते हैं नहीं? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। सो गाइस
पानी जो है वो अभी खोल दिया गया है, क्योंकि अभी जो काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए थे यहाँ पे, गदर काट रहे थे, तो यहाँ पर इन्होंने पानी खोल दिया। और पानी की आप धार देख सकते हैं कितनी तेज़ है। गाइस आप पानी का देखिए, पानी कितना ज़्यादा ऊंचा उल रहा है पानी, और अभी और खुल रहे हैं दर, इधर वाला भी खुलेगा, दो दर खुले हैं अभी, एक और दो। अब पानी की रफ्तार देखिए गाइस कितनी तेज दौड़ रहा है, क्योंकि दर इन्होंने खोल दिए हैं और पानी उधर जो पानी है सारा पानी अब इधर जाना है, और पानी बढ़ अब इसमें बढ़ता रहेगा। और यहाँ पर लोग मछली मार रहे हैं वो भी दिखाते हैं सामने, देखिए वो जो लोग हैं वहाँ पर मछली जो है मछली फाँस रहे हैं जाल में मछली फाँस के जो है ये बेचते हैं मछली। यहाँ पर मछली बेचने का भी व्यापार होता है इस तालाब से मतलब। तो गाइस हमारे सहवाज भाई यहाँ पर इन्हें थोड़ी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, तो ये बताओ सहवाज भाई जो मछली उछली ये मार रहे हैं लोग, तो कैसे इन्हें अलाउड परमिशन है इसकी? भाई साहब देखो मछली ऐसे नहीं मार सकते, इस डैम का होता है ठेका एक साल का। अच्छा, जो ठेकेदार होता है अगर उनने किसी प्राइवेट तरीके से मछली मारते देख लिया तो वो पकड़ लेगा और डंड ले लेगा उसको मछली मारने का। अच्छा, वो पैसा देगा है, पैसा देने के बाद इस डैम का वो ठेका होता है एक साल का, जितनी मछली आती है उसके अंडर में पकड़ता है वो जिसको बेचे वो जैसे ले जाके बेच देने बाजार में, वो उसकी मतलब जिम्मेदारी है। अच्छा, हाँ वैसे तुम मछली पकड़ो, तुमको हम मछली पकड़ने हैं तो पकड़ नहीं पकड़ सकते, अगर पकड़ ले हुए तो वो ले जाएगा पुल में पकड़वा देगा तुम्हें। अच्छा, हाँ वो सामने थे उधर मछली मार रहे हैं लोग, वो भी दिखा दो। ये सब जो आए हुए हैं बाइक से ये सब मछली मारने आए हैं, ठेकेदार के आदमी नहीं है, पकड़ देते हैं ना ठेकेदार को। अच्छा मछली है, हाँ। और ये जो पानी आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है सहवाग भाई? ये पानी तो आ रहा है पहाड़ पे से ऊपर, पहाड़ तो आता है पानी, ये कोई नदी छोड़ देते हैं देवा नदी है, और कुछ नहर में छोड़ देते हैं नहर में चला जाता है। उत्तराखंड का पानी आता है, उत्तराखंड का आता है, उत्तराखंड का पानी आता है हल्द्वानी से आगे तक का। अच्छा, यहाँ से हल्द्वानी कितनी दूर है? हल्द्वानी ऐसी है 70-80 किलोमीटर, 70-80 किलोमीटर है यहाँ से हल्द्वानी। गाइस यहाँ पर सौरभ जोशी ब्लॉग रहते हैं, आपको पता होगा हल्द्वानी में रहते हैं सौरभ जोशी ब्लॉग, जो हल्द्वानी में रहते हैं आपने देखा होगा उनका ब्लॉग, आप देखते होंगे। मैं देखता हूँ सौरभ जोशी का ब्लॉग, वो हल्द्वानी में रहते हैं, यहाँ से 60 किलोमीटर है। 70 किलोमीटर, तो उनसे भी मिलने जाने का प्रोग्राम है हमारा, जाएंगे देखो अगर वो मिलने को मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते नहीं मिलेंगे यार, जब मिलेंगे चलेंगे वहाँ मिलने के लिए। फिलहाल आप जब तक डैम का व्यू देखिए, आप इधर दिखा दो व्यू, पूरा व्यू दिखा दो एक बार डैम का, और फिर शहबाज भाई ये जो पुल बनाया गया था 1925 में वहाँ पर सन है, 1925 में बना था, तो इसे बनने में भी काफ़ी टाइम लगा होगा। देखो भाई साहब हमें जितनी इन्फॉर्मेशन होती बता रहे हैं, क्योंकि हम इतने बड़े तो हैं नहीं अभी, हमारे पापा के दादा बताते थे, हमारे पापा बताते हैं, हमारे दादा बताते थे कि ये पुल जब बना था तो उसमें 5 से 6 साल लगे थे बनने में, तैयार होने में पूरा। अच्छा, और ये अंग्रेजों ने बनाया था पुल जो है, ये अंग्रेजों ने बनाया था, तभी इसमें बहुत तगड़ा लोहा लगा हुआ है आज भी देखो तुम। लेकिन लोहा आया कहाँ से? ये लोहा विदेश से आया था। अच्छा, हाँ है। और अब जो मतलब इस पर ये भी है कि मतलब ज़्यादा वजन नहीं ले जा सकते, टूट सकता है ऐसा है, बहुत टाइम हो गया ना, कम से कम 150 साल तो, 150 साल से सन तो का गलत बड़ी हो, कोई वो नहीं है, जब बंग तैयार हुआ हो कुछ और काम हुआ तो डाल दियो सन, लेकिन जो है बहुत पुराना, जो क्षतिग्रस्त हो चुका मान लो, इसका कोई भरोसा नहीं कब गिर जाएगी, इसलिए ज़्यादा माल की गाड़ी नहीं लगा सकती इस पर, अपनी फोबी लगा सकते हो छोटी मोटी सवारी, अपनी पर्सनल गाड़ी जो होती है वो, बाकी लोड का कोई समय नहीं निकाल सकते उस पर। अच्छा, इसलिए एंगल लगा रखा वहाँ पर कि ताकि लोड की कोई निकले ना, यहाँ बैठता है ना गाड़ी बैठता है वहाँ पर, मतलब रखवाली के लिए कोई भाई सामान लेकर ना निकले। और बाकी इधर जो है पूरा जंगली जंगल है इस पुल के बराबर, जल रही है। अच्छा, पूरा जंगल है इधर, इधर जंगल भी दिखा दो, इधर जंगल इधर आगे जंगल है, पुलिस चौकी भी है अपनी डैम की। और यहाँ का व्यू बहुत बढ़िया, गांव का व्यू बहुत काफ़ी बढ़िया होता है यहाँ का, तो यहाँ रहने की गाँव में रहने की बात ही कुछ अलग है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी आपको, और ऐसी अच्छी अच्छी जगह आपको दिखाते रहेंगे हमारे चैनल को यार, जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यार हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं ऐसी ऐसी जगह पे जाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी होता है, तो हमारी वीडियो को यार एंड तक देखा करें आप, और
लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लें। और अब हम चलते हैं, इजाज़त लेते हैं, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। टाटा बाय बाय।